नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, कुछ प्रेस्टिजियस भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आज हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रेस्टिजियस है। काफ़ी सारे अलग अलग उसमें मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं, अलग अलग पर्पज़ भी है उसका। ओके, आज हम डिटेल में उसका एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, साथ में ये साइड भी करेंगे, हम देखेंगे डिटेल में हम क्या क्या है वहाँ पे साइड पे यूज़ करते हैं, जैसे कि उसका फैब्रिकेशन हो, उसके ऊपर वहाँ पे लगने वाली सीलिंग टाइल हो, जनरली वाटरप्रूफिंग के लिए स्पेशली हमने जो मेम्ब्रेन यूज़ किया है वो, या फिर उसके ऊपर जो हम मिनरल टाइल लगा रहे हैं उसके, मतलब ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग सिस्टम होती हैं। तो फिर हम अभी चलेंगे डायरेक्टली साइड पे और हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कैसा है और लगने के बाद वो दिखती कैसे है। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने वर्टिकल जो कॉलम खड़े किए हैं, तो नीचे से सीमेंटेड कॉलम ऊपर तक आए थे और फुटिंग में से, और जो बार थे उनको हमने ऊपर से एक 2 इंच 2.5 इंच छोड़ के कट कर दिया था, और उसके बाद में जो नीचे गसेट प्लेट लगाई थी उसके ऊपर उसको बेंड कर दिया, और उसके बाद हम उसको वेल्डिंग भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस वेल्डिंग से उसको थोड़ा सा नरम कर रहे हैं, जैसे वो नरम गरम हो जाएगा तो फिर उसको हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं बेंड कर रहे हैं। जनरली होता है कि काफ़ी बार यहाँ पे जो ये लगाया जाता है एंकर बोल्ट जो लगाया जाता है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच तक अंदर जाता है, लेकिन ये सबसे बढ़िया सिस्टम है कि अंदर के जो बार आते हैं उन्हीं को हम अगर उसको वहाँ पर वेल्ड करते हैं तो फिर और बढ़िया रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें चारों तरफ से जितने भी बार आते हैं तो उसको हमने परफेक्टली बेंड कर दिया है। अभी बेंड होने के बाद क्या होता है कि नीचे जो गसेट प्लेट है उसको हम उसको वेल्ड कर रहे हैं, ये देख सकते हैं बार को अगर वेल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार वेल्ड हो जाएगा ना वो तो परमानेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ से कभी निकलने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईजिली काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे वेल्डिंग हो गया है और वो परमानेंट हो गया है, ताकि यहाँ से निकलने का कोई चांस रहेगा नहीं आगे जाके। जनरली हम एंकर बोल्ट लगाते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है नीचे 6 या फिर 8 इंच तक जितना एंकर बोल्ट नीचे डालते हैं उतनी स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि फुटिंग जितना नीचे रहेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ये देखिए पूरा वेल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये तो शो होने वाला है नहीं, वैसे भी उसके ऊपर फर्सी वगैरह बैठने वाली है, देखिए वो वेल्डिंग पूरा भरा हुआ है, निकलने के कोई भी चांसेस है नहीं यहाँ पे। देखिए कॉलम ऊपर तक गया है और यहाँ पे भी हमने पूरा पैक कर दिया है ताकि ऊपर से भी कोई मतलब चीज़ भी जाने के चांसेस नहीं है, ना पानी जाने की कोई चांसेस है। ये देखिए वर्टिकल कॉलम जो है करीब पीछे वाले जो कॉलम है करीब 25-25 फीट के कॉलम है, ये आप देख सकते हैं। जितनी भी बिल्डिंग बनी है ये जो 6 इंच बाय 6 इंच के कॉलम है और उसकी जो थिकनेस है करीब 5 mm के आसपास है। ये देखिए जितने भी है वो जो कॉलम लगाए गए हैं वो स्टील के ही कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हम यहाँ पे A to Z वर्क कर रहे हैं, जैसे कि फैब्रिकेशन से लेके फिनिशिंग मिनरल रूफ टाइल तक, ये देख सकते हैं आप। ये हमने उसके बाद जो राफ्टर डाले हैं देख सकते हैं यहाँ पे आप, 2 इंच बाय 4 इंच के राफ्टर है, 3 mm उसकी थिकनेस है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये देखिए इसके हर एक के मुँह खुले हुए हैं, जो कि ये सामने साइड में अगर हम पानी पट्टी दिखते हैं तो फिर क्या होता है ना कि ये जरूरी होती है पानी पट्टी, अगर ये नहीं होती है तो फिर सामने वाले जो मुंह है वो ओपन ही रहेंगे। यहाँ पे हमने जो कैंची यूज़ करनी थी लेकिन वो कैंची थोड़ी सी दिखने में इतनी सही नहीं दिखती, इसीलिए क्लाइंट ने बोला था कि कुछ और उनको चाहिए, तो फिर हमने 2 पाइप वेल्डिंग करके कैंची की जो स्ट्रेंथ आती है बिल्कुल उस लेवल पर लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथिंग के लिए यहाँ पे और 8 इंच बाय 4 इंच की 2 पाइप दी गई है और यहाँ पे बीच में 2 कॉलम भी दी गए हैं, ये देख सकते हैं ये दोनों साइड में कॉलम है और जो पाइप है ये देखिए वहाँ एंड तक गई है, ये देखिए यहाँ से ये दूसरी पाइप आई है और यही पाइप आगे जाके जो अपनी गटर वाली कैंची जैसे हमने बनाया है ना बिल्कुल वहाँ पे गटर का जो राफ्टर है बिल्कुल वहाँ तक गई है। देखिए हर जगह पे प्रॉपर तरीके से गसेट प्लेट भी लगाए गए हैं। अभी ये पूरा होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उसको ब्लैक कलर दिया गया है, क्योंकि ब्लैक कलर ही वो कलर कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्रेंस केबिन भी बनाया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये एंट्रेंस है,
ये देख सकते हैं, पहले हम जब कॉलम बना रहे थे तो फिर नीचे से थे, लेकिन अभी यहाँ पे दीवार भी कुछ हद तक बनाई गई है। ये देखिए नीचे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखिए कॉलम काफी बढ़िया तरीके से अटैच हो गए। यहाँ पे इसके जो जॉइंट्स वगैरह है यहाँ पे भी वो भी दिखेंगे आपको। ये देखिए जिगजैग टाइप में बीम लिए गए हैं और उसको वेल्डिंग किया गया है, और बीम की जो साइज है वो भी 6 इंच बाई 6 इंच की दी गई है ताकि कॉलम को परफेक्ट बैठ जाए वहाँ पे, और उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी बनी रही है वहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी मजबूत और काफ़ी बढ़िया तरीका का फैब्रिकेशन हो गया है। ये दो ही पाइप बीच में लिए गए हैं, बाकी पूरे रेस्टोरेंट में कहाँ पे भी एक भी पाइप नहीं लिया गया है। और ये जो पाइप ऊपर वाली 4 इंच बाई 8 इंच वाली जो पाइप है ये पाइप का जो प्रेशर है उसी कॉलम पे दिया गया है, और यहाँ पे वैली में दिया गया है। ये देखिए वैली, इस वैली में वो पूरा जो ऊपर से आने वाला जो वजन है वो वैली में आ जाएगा। ये जो दो राफ्टर है वो दो राफ्टर के बीच में करीब हमने 3 फीट का अंतर रखा है सेंटर टू सेंटर। ये देखिए ये जो पर्लिन है, ये पर्लिन के दो पर्लिन के बीच में करीब 12 इंच के आसपास अंतर है क्योंकि सीलिंग टाइल के हिसाब से लगाए थे। और यहाँ पे जो अलग अलग पाइप आपको दिखाई दे रहे बीच में, ये देखिए ये वाले ये हमारे काम का हिस्सा है नहीं वैसे, क्योंकि कुछ दूसरे एजेंसी ने भी यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम चालू किया था तो ऊपर के स्ट्रक्चर को ही उन्होंने सपोर्ट बना के काम चालू किया है। ये कॉर्नर परफेक्ट जॉइंट किया गया है, चारों तरफ से परफेक्ट वेल्डिंग भी है वहाँ पे, फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक फैब्रिकेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब कुछ होने के बाद एक सैम्पलिंग होना जरूरी है कि यहाँ पे एग्जैक्टली सीलिंग टाइल बैठती है कि नहीं, क्योंकि अगर सीलिंग टाइल बैठ रही है तो उसके ऊपर रूफ टाइल जरूर बैठेगी। जनरली जब भी हम सीलिंग टाइल लगाते हैं तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एल चैनल लगाया है, तो एल चैनल इसलिए लगाया है अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो ये जो पट्टी है ये ऊपर की तरफ ऐसी चली जाएगी। अगर ऐसी चली जाएगी ना ओके, तो फिर होता ये है कि इसके लेवल में जो आनी चाहिए ऊपर वाली ये जो टाइल वो लेवल में नहीं आती, सामने की तरफ से यहाँ से ऐसे ऊपर उठ जाती है ओके। तो इससे बढ़िया रहेगा कि ये सिस्टम ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तो टाइल टूटी हुई है, ये बदल जाएगी, लेकिन ये सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए कभी भी इससे वो नीचे ही होनी चाहिए। इसके अगर लेवल में यहाँ पे ही आ जाती है तभी वो सीलिंग टाइल सही बैठेगी, और इसकी लेवल जो नीचे से देखते हैं तभी वो सही दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिख सकती है। मतलब ये सामने से उठने मतलब उठी हुई ऐसे आपको दिख सकती है। वही अगर हम स्लोपिंग का ऊपर का अगर हिस्सा देखते हैं, ये देखिए एंड वाला, तो फिर यहाँ पे भी हमें एक वैसे एल चैनल लगाना जरूरी होता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर टाइल का मतलब काटनी पड़ रही है तो ये केस में यहाँ पे ये लगना जरूरी है, मतलब लगाना ही जरूरी है। तो फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एंड में हमने जो 1 इंच बाय 1 इंच का जो एल चैनल है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बार जहाँ पे बिठाते हैं एंड में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच बाय 1 इंच का एक पाइप लिया गया है, 2 इंच ऊपर है पर्लिन के नीचे वो प्लस में है, मतलब लेवल में है ओके। ये देख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच तो चाहिए हमें, और यहाँ से यहाँ ये 3 इंच वाला पाइप है और 1 इंच उसकी विड्थ है, जनरली 1.6 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से पाइप लगनी चाहिए तभी हम बाज को स्क्रू कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑलमोस्ट फैब्रिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कुछ ऐसे ही फैब्रिकेशन जरूरी है अगर हमें सीलिंग टाइल लगानी है, साथ में कोई भी रूफ टाइल लगानी है, जैसे कि मैंगलोर टाइल हो या फिर सिरेमिक रूफ टाइल हो, या फिर अगर हम उसके ऊपर मिनरल रूफ टाइल लगा रहे हैं, तो फिर इसके लिए कुछ इस तरीके का बढ़िया सा फैब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर काटा जा रहा है, मतलब दो एल चैनल जो है वो साथ में जोड़ के उसको कटिंग किया जा रहा है। उसकी ज़रूरत होती है यहाँ पे वैली के जगह पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पाइप जहाँ पे आके मिल रहे हैं बिल्कुल उसके बीच में एक ऐसे एल चैनल लगाने जरूरत है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे कोई पीस काटते हैं तो फिर वो गिरने के चांसेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए ये लगाना बहुत ही जरूरी होता है।
काफ़ी बार आइडिया नहीं आती है जब हम काम कर रहे होते तो पहली बार, तो अगर आप कभी ऐसे कुछ काम कर रहे तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और काफ़ी ज़्यादा उसमें स्किल लगता है क्योंकि उसकी लेवल वगैरह जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से बनाया है उसकी लेवल, बाद में उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन दी गई है। अभी अगर हम इसके ऊपर एक आध पीस अगर काट के रख देते हैं तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें वहाँ पे पीस काट के हम वहाँ पे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो पीस भी आराम से होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम एक पीस काट के भी लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हम मार्किंग कर रहे हैं, साथ में हम इस टाइल को अभी काटेंगे भी ताकि यहाँ पे हम एग्जैक्टली पीस कैसे बैठता है ये दिखा सके। ओके देखिए, जो रेगुलर मशीन होती है ग्रेनाइट काटने वाली, तो वो उसी मशीन से हम उसको काट सकते हैं। और जो ब्लेड यूज होता है ग्रेनाइट कटिंग वाला, वही ब्लेड भी यहाँ पे लगता है। अभी हमने यहाँ पे सीलिंग टाइल इंस्टॉलेशन चालू किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीलिंग टाइल इंस्टॉलेशन का जो वर्क होता है वो जनरली स्ट्रेट होता है। काफ़ी बार जैसे रूफ टाइल ब्रेक जॉइंट लगाते हैं तो वैसे नहीं लगाते, लेकिन कभी कभी कुछ क्लाइंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि उनको ब्रेक जॉइंट होता है तो फिर ऐसे कर सकते हैं। मतलब वैसे करने से कोई गलती तो है नहीं, ये देख सकते हैं। जनरली जब भी हम सीलिंग टाइल लगाते हैं तो उसमें और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखनी होगी कि सीलिंग टाइल के बीच में कभी भी पैर नहीं रखना है। अगर वैसे करते हैं तो फिर सीलिंग टाइल डायरेक्टली टूट जाएगी, गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो सीलिंग टाइल होती है उसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं है, तो सीलिंग टाइल जब लगाते हैं और चलने का जब आपको कुछ ऑप्शन आता है वहाँ पे, मतलब लगता है आपको कि वहाँ पे ऊपर जाना है रूफ के ऊपर, तो फिर आप पर्लिंग के ऊपर ही पैर रखिए। अगर हम नीचे से देखते हैं तो ये देख सकते हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होता है। और अगर हमें कॉर्नर अगर देखने तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर को कटिंग करके लगाई गई है टाइल, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान में रखिए कभी भी कॉर्नर्स इस तरीके से पूरे फिनिश होने चाहिए, अगर इसमें कुछ गैप रहेगा तो फिर दिखने में वो सही नहीं दिख रहा है। ओके तो फिर आप देख सकते हैं ऊपर की एक जो पट्टी है हमने लगाई थी बिल्कुल उसी हिसाब से अभी ये टाइल अपनी लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग टाइल के ऊपर हम अभी मेम्ब्रेन लगा रहे हैं जो कि 100% वाटर प्रूफिंग है और हीट इंसुलेशन का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा। आप ये देख सकते हैं जनरली जो रोल होते हैं वो हॉरिजेंटल लगाने होते हैं। अभी हमने ऑलरेडी दो रोल लगाए हैं, जहाँ पे भी वैली आ जाती है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही 1 फीट एक्स्ट्रा करके ऐसे काटना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काटा है हमने। ओके तो ये रोल काटने के बाद बिल्कुल ये देख सकते हैं आप फिर से थोड़ा सा उल्टा कर सकते हैं, मतलब नीचे वाली बाजू ऊपर और ऊपर वाली बाजू अगर नीचे करते हैं तो फिर आपका वेस्टेज जाने के कोई चांसेस होते नहीं है उसमें, ये देख सकते हैं आप। तो इसी प्रकार से ये रोल पूरा अभी दूसरी साइड तक जाएगा 8 इंच ओवरलैपिंग करके। जब भी सीलिंग टाइल के ऊपर चलना है तो ध्यान में रखिए पर्ली के ऊपर ही पैर रखना है। यहाँ पे एक टाइल टूटी हुई है वो अभी पहले से ही हमें चेंज करनी पड़ेगी, ये देख सकते हैं, क्योंकि एक बार पूरा मेम्ब्रेन डालने के बाद और टाइल लगाने के बाद अगर सीलिंग टाइल टूट जाती है किसी कारण तो फिर बदलना थोड़ा सा मुश्किल जाता है ऐसा है, ये देखिए। तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमें जो मेम्ब्रेन है वो लगानी है और जहाँ पे भी एंड हो जाएगा जहाँ पे बाज बैठने वाला है तो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है वो 2 इंच एटलीस्ट आपको एक्स्ट्रा काटनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी भी गलती से ये अंदर की तरफ नहीं कटनी चाहिए, अगर अंदर की साइड में कट जाती है और टाइल के अंदर किसी गलती से पानी चला जाता है तो पानी पूरा आपके घर में लीक करेगा, तो फिर ये एटलीस्ट बाहर 2 इंच तो कम से कम जानी है, ये देखिए बाज के बाहर वो आनी चाहिए शीट। शीट लगाने के बाद उसका 8 इंच तक उसका ओवरलैपिंग होता है वो एक बार चेक कर सकते हैं, हमने तो यहाँ पे चेक किया है। उसके बाद एक RBD करके आता है टेप, तो वो टेप लगा सकते हैं आप, ये देखिए ये टेप लगाने से जो जितने भी जॉइंट्स रहते हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सील हो जाते हैं, ये देखिए
एक बार सील हो जाते हैं तो फिर यहाँ से कभी अगर पानी भी आ जाता है तो फिर लीकेज होने के चांसेस ना के बराबर ही रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम मेम्ब्रेन लगा सकते हैं। सीलिंग टाइल नीचे से भी एक बार जाके चेक करना होता है, क्योंकि जब साइट चालू होती है तो कभी कभी टाइल टूटने के चांसेस होते हैं, जो कि ऊपर से पता नहीं चलते हैं। तो फिर नीचे से एक बार जाके अगर हम चेक करेंगे तो कहीं अगर टाइल टूट रही है या फिर टूटी हुई है तो फिर उसी वक्त बदलना आसान होता है थोड़ा सा। तो फिर ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो, और उसकी जो लाइन वगैरह है वो भी स्ट्रेट में है या नहीं है वो भी पता चलता है हमें। अब हम मिनरल टाइल इंस्टॉल करेंगे बिल्कुल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पहले सीलिंग टाइल लगी हुई है, उसके बाद मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख सकते हैं दो सीलिंग टाइल के बीच में बिल्कुल ये टाइल अटकनी चाहिए। ध्यान में रखिए कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दो सीलिंग टाइल के बीच में ये मिनरल रूफ टाइल है ये अटकनी चाहिए, तभी वो उसका सही से एक देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी अटकनी है थोड़ा सा हल्के से आपको उंगली से वहाँ पे दबाना है तो फिर वहाँ पे जगह बन जाएगी थोड़ी सी और वहाँ पे से इंटरलॉक होना आसान हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। देखिए ये देखिए टाइल वहाँ से निकलेगी नहीं बिल्कुल भी एक बार इंटरलॉक हो जाती है तो, और उसके ऊपर बाद में हम इजीली चल सकते हैं घूम सकते हैं। टाइल जो नीचे की सीलिंग टाइल होती है उसको डैमेज होने के कोई चांसेस होते नहीं है। ये देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना के लेनी है, बाद में टाइल को रख के थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है, आपकी टाइल इजीली इंस्टॉल हो जाती है। ये देखिए आप। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम सीलिंग टाइल लगाते हैं बाद में उसके ऊपर मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर अगर हम मिनरल रूफ टाइल लगा रहे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अदरवाइज लीकेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं या फिर नीचे के सीलिंग टाइल टूटने के चांसेस या फिर कंप्लेंट्स ऐसे आ सकती हैं। तो फिर ये देखिए बिल्कुल कुछ इस सिस्टम से अगर हम काम करते हैं तो एकदम ही इजी भी हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा पार्ट ये है कि वो पूरे सिस्टमेटिक के साथ ही हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड हो गई है ऑलरेडी स्लोपिंग, और अभी दूसरी साइड में सीलिंग टाइल लगा के उसके ऊपर टाइल लगा सकते हैं। ये देखिए अगर हम इसी को ऊपर से अगर देखते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा कंप्लीट होना बाकी है अभी। देखने में तो काफ़ी बढ़िया दिखती है मिनरल रूफ टाइल, और ये तो ऑरेंज कलर है और भी काफ़ी खूबसूरत। अगर नीचे साइड में से हम देखते हैं तो फिर सीलिंग टाइल का जो काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत दिख रही है सीलिंग टाइल। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फैब्रिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ब्लैक कलर का सिलेक्शन, ये तो और भी बढ़िया है, आपको देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत हो गया है यहाँ पे। ये कॉर्नर भी ध्यान में रखिए, जब हमने फैब्रिकेशन में किया था तो फिर उस वक्त मैंने आपको बोला था कि इसके जो सेंटर में है आप ये देखिए जो कैंची है, कैंची की जगह पे हमने दो पाइप वेल्डिंग करके लगाए थे 5 इंच बाय 2.5 इंच के, और उसके ऊपर और एक क्रॉस में पट्टी लगाई थी, जिसकी वजह से जो वैली आती है वो काफ़ी खूबसूरत हो गई है। अभी नीचे से आपको दिख रहा है बिल्कुल इसी साइड में भी आप देख सकते हैं दूसरी साइड में स्लोप के, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इतना फिनिशिंग वर्क होना। आप देख सकते हैं दोनों साइड में से जो जितनी भी पर्लिन आ गई है वो क्रॉस में अगर हम देखते हैं तो 90 डिग्री में एग्जैक्टली मिल गई है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब एक स्किल्ड जब वर्क होता है तभी वो हो पाता है, अदरवाइज होना चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो देख सकते हैं जितनी भी सीलिंग टाइल लगाई है स्ट्रेट लाइन में है और दिखने में ये एकदम परफेक्ट दिख रही है। ये देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया हो गया ये। अभी अगर हम बाहर का भी अगर कैप देखते हैं जो एंट्रेंस कैप है ये भी काफ़ी खूबसूरत हो गई है। ये जो स्ट्रक्चर है
इस स्ट्रक्चर की एक बाजू तो ओपन ही है, लेकिन दूसरी बाजू है एक ओल्ड बिल्डिंग को चिपक गई है। तो फिर यहाँ इस बिल्डिंग के मतलब जो इस बिल्डिंग की जितनी भी दीवारें हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कटिंग भी आया है। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लीकेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कटिंग वगैरह करके कंप्लीट करके लिया है फिलहाल तो। ओके, और इसके बाद अभी जहाँ जहाँ पे भी और कटिंग करना है या फिर क्रॉस कटिंग करना है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें कटिंग में कुछ गलती हो गई तो फिर सीलिंग टाइल हो सकता है कि गिर जाए या फिर दिखने में नीचे से वो गंदा दिखे। ओके, तो फिर इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब कुछ होने के बाद फिर से एक बार हम टाइल भी लेते हैं कभी कभी कि वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ये देखिए, दो टाइल तो बिठाई है, अभी एक और एक टाइल यहाँ पे बिठा के देख रहे हैं क्या वो सही है। तो मेरे ख्याल से तो अभी सही है, एक बार जाके सामने से भी देख लेते हैं। हाँ, ये ऑलमोस्ट आ गए। ओके, तो फिर इसके ऊपर हम आगे जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे एंड आया है यहाँ पे अभी बाज बिठाया गया है और वो सीमेंट में बिठाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से बाज बैठा है यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। जहाँ पे दीवार आ रही थी आप यहाँ पे देख सकते हैं दीवार के बाजू में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे था, या फिर दीवार इतनी एग्जैक्टली प्लस में नहीं है, काफ़ी सारे पाइप आए हैं। तो फिर हमने यहाँ पे पहले जनरली तो हम यहाँ पे इजी प्लस लगाते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे मोटरिंग किया है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे मोटरिंग किया गया है ताकि पानी लीकेज होने के कोई भी चांसेस यहाँ पे रहेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट है तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही पड़ता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीकेज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि पाइप के चारों तरफ सीलिंग होना बहुत मुश्किल जाता है जब भी काम करते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जब भी काम करते हैं मतलब कुछ ऐसी चीज़ों पे तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्लोप्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जब भी काम करते हैं तो फिर जब ऐसे अपार्टमेंट एरिया आते हैं तो यहाँ पे अभी हम इजी प्लस लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए, इजी प्लस का फायदा ये होता है या फिर उसकी क्वालिटी हम बोल सकते हैं कि ये होती है कि वो करीब 150% बढ़ जाता है, तो फिर टाइल का जो शेप होता है वो काफ़ी आसानी से ले पाता है और उसके अंदर जो ब्यूटाइल करके मटेरियल होता है मतलब एडेसिव होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। एक बार टाइल को चिपक जाता है तो फिर वहाँ से छोड़ता नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ इसी तरीके से आपको, अगर आप कभी काम कर रहे हैं तो फिर इजी प्लस लगा सकते हैं। ये देखिए, 5 इंच दीवार के ऊपर जाना होता है और 5 इंच टाइल के ऊपर इजी प्लस आता है तो सबसे बढ़िया रहता है। ये देख सकते हैं उसके नीचे जो प्लास्टिक है वो खाली निकालते जाना है और आपको खाली उसको पेस्ट करते जाना है, उतना ही होता है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वो किसी भी चीज़ का आराम से शेप ले सकता है। तो इजी प्लस ये एक प्रोडक्ट है, काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स थे जहाँ से लीकेज होने के चांसेस थे हर जगह पे इजी प्लस से हमने वहाँ पे कवर कर दिया है। ये देखिए, उसके बाद होता है कि जो वॉकर स्ट्रिप होती है वो लगानी होती है। वॉकर स्ट्रिप 2 इंच विड्थ वाली आती है, जो विड्थ हम नहीं बोल सकते लेकिन उसकी हाइट तो 2 इंच ही होती है और विड्थ तो 8 फीट तक होती है। ये देखिए, हर 2 फीट के ऊपर एक स्क्रू लगाना होता है, आराम से हम उसको स्क्रू कर सकते हैं, जिसकी वजह से इजी प्लस निकलने के कोई चांसेस होते नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वॉकर स्ट्रिप जहाँ जब भी लगाते हैं तो उसके ऊपर हम सिलिकॉन सीलेंट भी भरते हैं तो फिर पानी वहीं से निकल जाता है, इजी प्लस तक पहुँचता नहीं है। ये देखिए, जनरली उसको जब भी होल बनाते हैं तो फिर होल बना के एक रावर प्लग डालते हैं और उसके बाद वो जो भी स्क्रू है
स्क्रू को कसते हैं। इजी प्लैश और वॉक स्ट्रिप लगाने के बाद बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपको फील आ जाएगा। बाद में इसके ऊपर से आपको सिलिकॉन सीलेंट भरना है। देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भर सकते हैं, व्हाइट भर सकते हैं, जो भी दीवार का कलर है वो आप इजीली भर सकते हैं। बढ़िया रहेगा कि अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो फिर दीवार का कोई भी कलर रहेगा तो उसमें वो मैच हो जाएगा। जनरली ये सारी चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी बार लोग इजी प्लैश लगाते हैं और वॉक स्ट्रिप लगा देते हैं लेकिन सिलिकॉन सीलेंट भरते ही नहीं है, तो ये सबसे गलत चीज़ है क्योंकि वहाँ से पानी जाने के चांसेस होते ही है। ओके, तो फिर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं और इजी प्लैश के यहाँ पे, मतलब वॉकर स्ट्रिप के यहाँ पे आपको सिलिकॉन सिलेंडर भरना ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलिकॉन सिलेंडर सही जगह से नहीं भरते कुछ इस ऐसी जगह पे, तो फिर वहाँ से ही बिल्कुल लीकेज चालू हो सकता है, क्योंकि यही एक चीज़ें होती है जहाँ से लीकेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ों की प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिज का पार्ट इस साइड में बहुत ही कम है, लेकिन जहाँ पे भी है हमने टॉप लेग्स ऑलरेडी लगाया है और इसके ऊपर अभी हम रिज बिठा सकते हैं। ये देख सकते हैं, रिज अगर बिठाना है तो टॉप लेग्स बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पे वैली का काम कर रहे हैं। जब भी वैली का काम करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो ज़ीरो होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पे 3 इंच तक वैली का डिस्टेंस रखा है, दो टाइल के बीच में 3 इंच रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि जब भी हम ज़ीरो वैली काट देते हैं, मतलब बहुत ही कम गैप होता है, तो उस केस में अगर टाइल के ऊपर कोई कचरा गिरता है तो फिर अंदर जाता है और अंदर फंस जाता है और बाद में पानी वहाँ से लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। ये देखिए, टाइल मतलब जितनी भी वैली है हमने काट के 3 इंच का गैप रखा है मेंटेन, और दोनों साइड से सीमेंट से भर दिया है और कंप्लीट की है वैली। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सुंदर हो गई है। ये देख सकते हैं आप, एकदम स्ट्रेट भी आती है जब भी आप ऐसे लाइन दूरी उसके ऊपर प्रिंट करके लगाते हैं, तो आपको यहाँ से भी शायद पता चल जाएगा कि उसको कलर करने के बाद आपको मतलब पता नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली वैली कहाँ से है या फिर कितनी खूबसूरत दिख रही है, आपको पता चल रहा है। ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं घर की जो ब्यूटी है उसको इंक्रीज करने में। ये देख सकते हैं दोनों जो टाइल है, ये देखिए दोनों टाइल के राउंड टू राउंड या फिर टाइल टू टाइल का एंड, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में मिला हुआ है। तो इसके लिए खास प्रिकॉशन ली थी हमने पहले से ही, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। ये देखिए हर जगह पे वो क्रॉसिंग जो है वो मैच कर चुका है। नीचे से भी मैंने आपको जब फैब्रिकेशन का चल रहा था तभी मैंने बता दिया था जितने भी पर्लिन है वो 90 डिग्री में मिल चुकी है, और इसी की वजह से ये सब कुछ इतना बढ़िया हो गया है। यहाँ पे जो हमने बाज बिठाया था पहले से ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाज को जो कलर जो है वो काफ़ी बढ़िया किया गया है, बिल्कुल टाइल का ही कलर किया है, तो फिर पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे सीमेंटिंग लगाया हुआ है या फिर नहीं किया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बाज थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये देखिए मॉर्टरिंग किया हुआ है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है इतना बढ़िया काम हुआ है। ये हॉरिजेंटल बाज है जहाँ पे रूफ एंड होती है, और जो साइड में बाज होते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए आप, जब भी हम मिनरल रूफ टाइल लगाते हैं तो फिर उसमें काफ़ी सारे अलग अलग एक्सेसरीज आती हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है क्योंकि उसी के वजह से घर की जो ब्यूटी है काफ़ी बढ़ जाती है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये पानी पट्टी है और साथ में गटर के लिए ब्रैकेट भी लगाए गए हैं। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि पानी पट्टी और गटर साथ में बैठते हैं क्या, तो फिर ज़रूर बैठते हैं। ये देख सकते हैं आप, तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से पानी पट्टी का काम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे भी, ये देख सकते हैं उस पे जो पानी पट्टी लगाई गई है वो काफ़ी बढ़िया हो गई है। ये एक्चुअली साइड पानी पट्टी है और काफ़ी खूबसूरत दिखती है। काफ़ी लोग कभी कभी नहीं लगाते साइड पानी पट्टी, लेकिन मेरे ख्याल से तो साइड पानी पट्टी तो होनी ही चाहिए, तभी बाज के जो नीचे जो लुक आएगा वो काफ़ी खूबसूरत आएगा। और जो पहले की जो बिल्डिंग थी वहाँ पे भी वो टाइम पे भी मतलब साइड की पानी पट्टी लगाते थे। आप देख सकते हैं इसके जो जॉइंट्स वगैरह है, शायद एक 5-6 फीट के ऊपर से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे जॉइंट है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पानी पट्टी लग गई है। अभी हमने यहाँ पे गटर इंस्टॉलेशन का काम चालू कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे
3 इंच बाय 1 इंच का एक पाइप लगा रहे हैं, प्रॉपर वाला वहाँ भी ले रहे हैं ताकि वहाँ से डाउन स्पोर्ट उतर सके। ये देखिए जितने भी कनेक्टर है, गटर जॉइंटर वगैरह, वो क्लीन करके ले रहे हैं ताकि जब भी हम गटर लगा देंगे तो फिर वहाँ से लीकेज ना हो। और यहाँ पे हम गमिंग लगा रहे हैं तो फिर एक बड़े सॉल्यूशन लगाएंगे और प्रेस फिट करेंगे तो फिर काफ़ी बढ़िया तरीके से वो परफॉर्म भी करेगा। हालांकि ये जो गम है वो काफ़ी अलग अलग कलर में मिलता है, ट्रांसपेरेंट में मिलता है, येलो कलर में मिलता है। मेरे पास अभी येलो कलर में ही अवेलेबल था तो फिर मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर चाहिए तो फिर आप ट्रांसपेरेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डाउन स्पॉट लिया गया है। ये देखिए एक इनसाइड कॉर्नर है, तो कुछ इस तरीके से हमारी गटर इंस्टॉलेशन हो रही है। और ये देखिए ये एल्बो है जो कि डाउन स्पॉट को कनेक्ट किया गया है और काफ़ी बढ़िया तरीके से उसको पानी से उतारा गया है। ये गटर इंस्टॉल होने के बाद ये देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरा पानी कलेक्ट करके, खाली हमने यहाँ पे दो ही गटर के पॉइंट निकाले हैं तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल टाइल का पानी गटर में ही जाएगा और आराम से पानी यहाँ से ये देख सकते हैं उतर जाएगा। जैसे जैसे साइट कंप्लीट होती है काफ़ी सारे धूल मिट्टी जो होती है वो सीलिंग टाइल के ऊपर जम जाती है कभी कभी, क्योंकि जो टाइल या फिर सीलिंग टाइल जो काटना होता है उसके आसपास में ही होता है, तो फिर उसको क्लीन करना भी काफ़ी बार ज़रूरत होती है। तो फिर जैसे अभी हम झाड़ू से देख रहे थे तो वैसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास ब्लोअर रहता है तो फिर ब्लोअर से भी हम बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं उसको। उसके बाद अभी ये जो पूरा फैब्रिकेशन था वो पूरा ब्लैक कलर में था तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी धूल मिट्टी जम गई थी, तो फिर अभी हमने यहाँ से एक थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा करके उसको पूरा क्लीन करके ले लिया है ताकि जो रूफ़ की जो ब्यूटी है वो बनी रहे। देख सकते हैं आप चारों तरफ से एक बार उसको क्लीन करने के बाद में वहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत होती नहीं है, आराम से मतलब दिखने में ही वो बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत दिखना चालू होता है। ये देखिए बाहर की जो एंट्रेंस कैप थी यहाँ पे हम क्लीनिंग कर रहे हैं अभी, ये एंट्रेंस जो पानी पट्टी है अंदर की तरफ से, ये देखिए तो ऐसे क्लीन कर सकते हैं हम बहुत ही बढ़िया तरीके से। साइट पे पूरा काम खत्म होने के बाद हम एक बार पूरा पानी मार के उसको क्लीन करते हैं, साथ में लीकेज की एक ट्रायल भी हो जाती है, एक देख सकते हैं आप। तो इसमें से एक तो कई अगर लीकेज वगैरह कुछ रहेगा तो फिर वो भी पता चलता है, या फिर टाइल में या फिर गटर में जहाँ पे भी वहाँ वैली रहेगी हर जगह से हम एक बार पता कर सकते हैं कि कहीं से अगर लीकेज तो नहीं है, तो ये एक हम चेक कर सकते हैं। दूसरी बात है अगर गटर में कहीं अगर लीकेज है तो भी वो चेक कर सकते हैं। तीसरी और एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो है कि टाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जमी रहती है जब हम काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो भी एक काम हो जाता है उसी उसी में से ही। तो फिर इस ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार पूरा काम खत्म होने के बाद पानी मार के एक बार टेस्ट करें, लेकिन ध्यान में रखिए कि अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हैं तो फिर सेफ्टी बेल्ट का यूज कीजिए, क्योंकि पानी मार के टाइल के ऊपर नहीं चल सकते, अदरवाइज पैर बहुत ज़्यादा जल्दी फिसल जाएगा क्योंकि टाइल ग्लॉसी होती है तो फिर गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। मिनरल रूफ टाइल में जो ऑरेंज कलर आता है वही कलर है, और जितने भी एक्सेसरीज लगानी थी जैसे कि बार्च हो, रीच हो, बाजेंट, ट्रीजेंट या फिर इजी फ्लैश, जितने भी जो भी चीज़ें लगानी है वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी पट्टी वगैरह लगाई गई है और काफ़ी खूबसूरत अभी टाइल दिख रही है और बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट हो गई है, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अभी ये प्रोजेक्ट बन गया है। एक्चुअली औरंगाबाद में प्रोजेक्ट है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, काम हमारा पूरा खत्म होने के बाद अगर हम सीलिंग टाइल को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर से दिखाई देगा। जो वॉल पुट्टी वाले ने काम किया है वो भी काफ़ी अच्छा काम किया है जिसकी वजह से सीलिंग टाइल बिल्कुल ख़राब नहीं हो गई है, आप देख सकते हैं, तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हो गया है।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था फैब्रिकेशन सीलिंग टाइल और मिनरल रूफ टाइल, साथ में वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन के साथ। ये वीडियो हमारा कैसा लगा है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ में चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपी के यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद फ्रेंड्स।